अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। श्री मुख्तसर साहिब के सिविल सर्जन डॉक्टर हरि नारायण सिंह ने बताया कि जिले में आज 15 और कोरोना के सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63 हो गई। सर, आज दे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का की स्टेटस है? कितने मरीज पॉजिटिव आए थे? कितने कितने होंगे? नहीं कोई मुलाजम भी है बच्चे हूं तक जिला श्री मुख्तसर साहब 64 केसेस जिहड़े हैगे ओह पाए गए ने पॉजिटिव जी। रादर मैं कहांगा 65 केस ने 64 दे हुए है। उसका डिटेल इस तरह की हैगी है कि एक केस तो जिहड़ा मेरठ तो आया सी समसा वो रिकवर हो चुका, ठीक है, कन्वालेसेंट फेज चला गया, उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिता है। उस तो अलावा 2 केस गुरु हर साय रोड दे सीगे, एक केस पिंड कौनी का सीगा, 2 केस साढ़े हेल्थ वर्कर सीगे, तो एक केस पिंड दौदे का सीगा जिहड़ा कि कंबाइन दे काम करदा सीगा। ये टोटल मिला के नंबर ऑफ केस 42 सुनवाजे दस्या नंदेड़ दे जिहड़े श्रद्धालु स्टोर सीगे, ये टोटल मिला के 49 केस हो जाते हैं। इन्हां इस तों अलावा जिहड़ा एक केस सी उड़ीक चंद जिहड़ा पिंड है डोक, वो पहला इतने असी जो टैसट किया नैगेटिव सीगा, सरी का केस है वह सवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी इनफेक्शन, फिर वो फरीदकोट रैफर हो गया, उत्थे जाके पॉजिटिव आया, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन साड़ी पहला मुक्तसर जिले की है, साढ़े जिले का ही वसनीक है, उन्होंने पा के केस हो जाते हैं 50। अज जे 15 केसों की केस नवी लिस्ट आई है वह 15 केस होर पॉजिटिव ने, जिदे कि ज़्यादातर राजस्थान की लेबर अलग अलग हिस्सों जो आई है वह हैगी है, 2 शहर मलोट के पुलिस कॉन्सटेबल ने, एक चंडीगढ़ पुलिस का मुलाजम है जिहड़ा कि पिंड दोले विखे उहदा सैंपल लिता, पिंड दोले विखे का उन्होंने संबंध रखता है गिदड़बाद नेड़े, एक साल की बच्चा है जिन्हों कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, पिंड चन्नू दे ने कई बच्चे पिंड चन्नू दे ने कई लोग, ठीक है जी, तो जम्मू आने के ने ओवरऑल चन्नू के जोड़े है 3 केस ने, मलोड़ के भी 3 केस ने, गुरद्याणा के 2 केस ने, इस अलावा कोई कोई दोदा वाली वट्टू। हाँ जी, होस्पिटल के जोड़े तो कि सारे होस्पिटल स्टाफ का चैकअप हो रहा जी, सैंपलिंग हो रही? देखो इस तरह हेल्थ वर्कर है 2 जोड़े CSC दोदा के पोस्ट पाए थे, उन्होंने हिस्टरी साढ़े एपीडीमोलॉजिस्ट द्वारा लिखी जाती है, जिम्मे दसते हैं तो सारे जिन्हें उन्होंने मिलते हैं कंटैक्ट रहा जिन्हों का उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उन्होंने दसे मुताबिक या जो परिवारिक मैंबर से उन्होंने असं डिवाइड किया जाता हाई रिस्क के लो रिस्क के, हाई रिस्क के सारे केसों के सैंपल ले जाते हैं, लो किसे कल्ला क्वारंटीन रखा जाता है होम क्वारंटीन, तो जो कोई उन्होंने लक्षण पाए जाए फिर उन्होंने सैंपल किए। देखो मेजोरिटी उसकी स्टाफ उत्थे हाई रिस्क पाए गए हैं, सो उन्होंने सैंपल लैन करके वो नाल दी नाल जिहड़े हैगे है होम क्वारंटीन भी रखे गए हैं, तो दूसरा केस है जिहड़े जिहड़े कि लो रिस्क दे वह अदरवाइज होम क्वारंटीन हैगे है, सो इस करके जो सारा स्टाफ ही आलमोस्ट क्वारंटीन च होवे तो होस्पिटल चलाना बड़ा असंभव है। सर लोगों को की अपील करना चाहोगे? लोगों को सर यही करना चाहना कि ये जी वायरल डिजीज़ है बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, ये इस तो बचना है, तो जो खांसी वाले मरीज ने उन्हें मान के चलो भी कोरोना देखो इस, या मैं कहना कोई भी मान के चलो भी जोड़ा मिलने वाला बंदा कोरोना का हो सकता है, तो वह उचित डिस्टेंस बना के रखो, 3 फीट का घट तो घट, 5 फीट तो 3 तो लैके 6 फीट होता होर भी ज़्यादा बैटर है, खांसी वाले मरीज के बिल्कुल नेड़े ना जाओ, खांसी वाले मरीज़ को भी यह सलाह दी जाती है भी वो आप ही भीड़ भाड़ वाले इलाके ना जाए, फ्रीकुएंट हैंड वाश बहुत जरूरी है क्योंकि यह फोमाइट के थ्रू हथा रही भी यह वायरस फैल सकती है, जो आप इस तरह किसी सीढ़ियां लोअर हैंडल्स
ਬਟਨਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੋ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਦਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ We'll be right back.